परसाने सारे में हानी, सॉरी उम्मे हानी जो है वो 2010 की पैदाइश है और एक महीना 8 दिन के बाद वो बाजियाब हुई है और कल तक उसके पेपर्स हमें सारे मिल जाएंगे। हैदराबाद की बच्ची है और हैदराबाद में हमने इस केस को देखना है। सेकेंडली एक और वाक्य भी हमारे सामने आया है और वो एक लड़की का रेप है हुआ है, तो वो भी हमने अभी मैंने उस लड़की का नंबर वंबर लेकर उसको फ़ोन मैसेज कर दिया था क्योंकि नंबर एंगेज जा रहा था। तो हम देख रहे होते हैं और हमें देखना होता है कि गलतियां तो इंसान ही करता है। अगर किसी से गलती हो गई है तो गलती का मतलब ये नहीं है कि फिर उसको कुएं में धक्का दे दिया जाए। हमारा काम है कि हम गलती से अगर कोई कीचड़ में गिर पड़ता है या गड़े में गिर पड़ता है तो हम उसको हाथ पकड़ के निकालते हैं या ये देख के कह देते हैं क्योंकि तुम देख के नहीं चले थे तो अब तुम इसके अंदर ही डूब जाओ। इस तरह नहीं होता है और वो इंसान ही क्या जिसके जज्बात ना हो। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैंने तर्जुमानी की मुझे इससे ज़्यादा आगे करना चाहिए था, कुछ और कर सकती तो वो करना चाहिए था। और मैं बाज़ार गई जब तो मार्केट में मैं अक्सर चली जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें भी चाहे दिल चाहता है कि कभी अपनी पसंद से भी कपड़े पहन लें। ऐसे तो मेरी बहनें और भाभी वगैरह ले आती हैं और मैं जो कभी किसी के पसंद के नहीं कपड़े पहनती थी अब बहुत सारी दफ़ा दूसरों के लाए हुए भी पहन लेती हूँ। तो बहरहाल मैं जब बाज़ार गई तो जितने भी लोगों ने मेरे सामने से गुजरे, कोई पलट के आया, कोई सामने से शुरू हो गया और हर एक ने मुझसे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद की, जिस तरह से उसके वालदेन के साथ खड़ी हुई, जिस तरह से आपने ये कहा कि मैं इतनी बड़ी होकर अकेली नहीं जा सकती, टैक्सी बुक करके बच्ची कैसे चली गई, जिस तरह से आपने बातें की वो बहुत दिल को छूने वाली थी। तो मेरा भी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि हर आदमी कहीं ना कहीं असर रखता है, बात करता है, उसकी बात सुनी जाती है, लोग उसको सुनते हैं। अब खुदा के लिए आप हमारी सोसाइटी को बचाएं। हमारी सोसाइटी की खूबसूरती यही है कि हमारे हमें मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के मसाइल हल करने और हमारी सोसाइटी की भी कुछ कदरें हैं, ये मरनी नहीं चाहिए। तो जनाब कल देखते हैं क्या मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है और नादरा और पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेन ऑफिस है या ये सब है ये झूठे ठहरते हैं, क्या होता है फिर इनकी, क्या इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी अगर ये हो गया कि हमारे पासपोर्ट पे हमारी चीज़ें गलत होंगी, अगर ये ऐसा बात हुई कि नादरा पे गलत होगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए क्या होता है, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह ताला वालदेन को जो है अपनी औलाद से मिला।